हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक वीडियो आ चुकी है, 10 लाख प्लेटफॉर्म से ज्यादा मिलेंगे दमदार रिटर्न। कौन सा स्टॉक्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, matrimony.com यहाँ पर एक स्टॉक्स है, उसके रिटर्न यहाँ पर अच्छे खासे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। काफी बेहतरीन लेवल पर ये स्टॉक्स मिल रहा है। अगेन एंड अगेन बार बार वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको अच्छे रिटर्न मिल सके। मैंने यहाँ पर आज की डेट में यहाँ पर बाइंग करी है, तो इस चीज को थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया, हम किस स्टॉक से रिलेटेड बात करने वाले, हम बात करने वाले लक्ष्मी ऑर्गेनिक एज वेल एज दीपक नाइट्रेट। दोनों स्टॉक्स यहाँ पर एक बेहतरीन रिटर्न देते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। दोनों स्टॉक्स यहाँ पर काफी नीचे लेवल पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे। तो क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, तो इसके पीछे का रीजन भी है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल, जो आपका खुद का चैनल है इन्वेस्ट फॉरएवर, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, वीडियोस को जाके देखिए, सीखिए। सीखने से ज्यादा लर्निंग कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा अगर आप जॉब वाले हैं, ड्यू टू सम रीजन आप नहीं कर पाते ये चीजें, तो आप हमारे यहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कुछ चार्जेस के साथ। ओके, हमारी जो सर्विसेज है आप यहां पर प्रोवाइड ले सकते हैं और अच्छे खासे पैसे यहाँ पर मार्केट से बना सकते हैं। तो जाके यहाँ पर कांटेक्ट करिए हमसे, और दूसरी वीडियोस को जाइए देखिए सीखिए। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं। और जिन स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करने वाले, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक और दीपक नाइट्रेट, दोनों से रिलेटेड बातें करेंगे एक एक करके। तो हम सबसे पहले आते हैं दीपक लक्ष्मी ऑर्गेनिक की तरफ। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक हमें यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। ओके, उसके पीछे का रीजन भी था, उसके पीछे का सिंपल रीजन यही था कि यहाँ पर इनके जो अगर हम बात करें इनके जो प्रमोटर्स थे, ऑलरेडी इन्होंने बोल दिया था हमारी जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लड, ओके, ऑपरेशन बंद था, तो इसकी वजह से यहाँ पर रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो वही होता हुआ दिखाई दिया है। तो हमने यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो इनके रिजल्ट है वो यहाँ पर देखिए, सेल्स यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी। जो 102 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में, वो क्वार्टर में अगर इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में यहाँ पर 15 करोड़ का रह गया, वो भी लोएस्ट एवर। मार्च 2020 के बाद अगर बात करें, लोएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट रहता हुआ नजर आया। तो ये एक नेगेटिव यहाँ पर चीजें होती हुई नजर आई, और नेगेटिव भी नहीं था, उनके प्रोमोटर्स ने ऑलरेडी बता दिया था। तो हमने यहाँ पर अच्छा खासा 220 रुपए पे ये शेयर आपको बताया था, लिया था, इसके बाद अच्छी खासी रैली और यहाँ पर से दोबारा यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करते हुए हम नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स की। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक अच्छी खासी कंपनी है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन, इसके फंडामेंटल्स तो यही है, बट यह कंपनी जो काम करती हुई नजर आती है ना, जो कि एक केमिकल कंपनी है, जो बात करें तो उसमें ये सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पर नजर आती है, स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती हुई नजर आती है और परफॉर्म कर रही थी, इस वजह से शेयर भी उसी तरीके से भागता हुआ नजर। द कंपनीज बिजनेस ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इन 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग 11 ऑफिस अलोकेटेड इंडिया, मतलब 30 यहाँ पर कंट्री में है और उसमें से 11 यहाँ पर ऑफिस है जो यहाँ पर इंडिया में है, और यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर कंपनी केमिकल्स में काम करती है, इथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड एज वेल एज डीकेटिन डिराइव्ड प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाती हुई नजर आती है, जो कि यहाँ पर DDP इज अ स्पेशलिटी केमिकल्स ग्रुप, ये स्पेशलिटी केमिकल्स ग्रुप में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर इनकी यहाँ पर देख सकते हैं इनकी सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इनके प्लांट्स क्या है, प्रोडक्टिविटी किस तरीके से इन पर्टिकुलर केमिकल्स की, तो ये सब चीज यहाँ पर बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी एक बार ये सब कुछ पढ़ते हुए दिखाई देना। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे एक बार विजिट कर लीजिएगा, यहाँ पर आप विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर केमिकल्स फॉर्मूला और ये सब चीज़ यहाँ पर बनाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर इनकी कंपनी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, अबाउट अस, इनकी लीडरशिप, बिजनेस सेगमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, इनकी कैपेबिलिटीज के बारे में पढ़ सकते हैं, तो आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आएगा कि कंपनी एग्जैक्टली यहाँ पर करती क्या है। तो यहाँ पर जब ये चीज़ें समझना आप शुरू करेंगे और नहीं भी समझ में आती तो यहाँ पर इनका बिजनेस मॉडल देखना, ओके, क्योंकि काफ़ी क्योंकि हम केमिकल्स से रिलेटेड काम तो करते नहीं है तो हमें यहाँ पर समझ इतनी है नहीं, बट स्टिल यहाँ पर हमें समझ में आते हैं क्या इसके फंडामेंटल्स। मार्केट कैप की बात करें 10,943 करोड़ की मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी है, अभी भी डेट की बात करें तो लगभग डेट फ्री कंपनी है, कोई प्लेजिंग नहीं है। 628 से 415 रुपये पे, 428 पे शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है, आज की डेट में भागा था, तो लगभग 200 रुपये अभी भी डाउन है, और 200 रुपये डाउन है तो मतलब शेयर यहाँ पर कुछ ना कुछ रीजन की वजह से डाउन है, और यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। ROC की बात करें 20-17 की ROE है, जो कि अच्छी खासी हमें मानी जाती है।
शेयर अभी यहाँ पर लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद शेयर भागता हुआ दिखाई दिया, और भागता हुआ दिखाई दिया जस्ट बिकॉज के नंबर जो है कंटिन्यूटी के साथ अच्छे खासे आ रहे थे, कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी, हाईएस्ट एवर नंबर्स आ रहे थे, इस वजह से शेयर भागा। एक ही बारी में 100-150% के 200% के रिटर्न भी देता हुआ नजर आया। ईयरली बेसिस पर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर बेहतरीन है, यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से है। यहाँ पर 27 करोड़ का प्रॉफिट 127 करोड़ में बदला, और पिछले 12 क्वार्टर में यहाँ पर लगभग 200 करोड़ तक आया। रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आए, बोरिंग कम होती हुई नजर आई, वर्किंग प्रोग्रेस में पैसे थे, कैश इनके पास अच्छा खासा था, जो भी पैसा आता बुक में दिखाई देता था, और यहाँ पर अच्छी खासी ROCE चल रही थी, इस वजह से शेयर यहाँ पर भागते हुए दिखाई दिया। प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है, FIs ने यहाँ पर अपनी शेयर यहाँ पर बेच दिया 3.58 से 0.87, बट जैसे ये शेयर दोबारा परफॉर्म करेगा तो यही FIs दोबारा आएंगे, इस बात को याद रखिएगा। DIs की बात करें उन्होंने भी यहाँ पर थोड़े बहुत शेयर बेचे। पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास यहाँ पर शेयर बढ़े 22.91%, बट 22.91 में से भी यहाँ पर 3-4-5% की हिस्सेदारी है, तो लगभग 17-18% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक बेहतरीन सपोर्ट पे यहाँ पर खड़ा हुआ है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक को यहाँ पर से आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। बार बार यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक से रिलेटेड बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए नजर आए, इसके बाद बात करें तो देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट, तो दोनों की अगर हम बात करें एक ही सपोर्ट जोन में यह खड़ा हुआ है, और ऊपर के लेवल से देखिए तो ऊपर के लेवल पर ये, तो अगर आप देखेंगे तो तीन सपोर्ट यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसी से ये कंपनी यहाँ पर दिखा रही है कि यहाँ से नीचे जाना, ये कंपनी यहाँ से नीचे जाना चाहती नहीं है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो नीचे सपोर्ट की बात करें तो एक यहाँ पर ही सपोर्ट बन रहा है, जो कि ऊपर यहाँ पर बन रहा है, नीचे यहाँ बन रहा है, और अगर हम यहाँ पर इसके टारगेट की बात करें ना, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर देखते हैं कंपनी के अभी भी टारगेट, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, 45% के रिटर्न 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये इस तरीके से ये चार्ट बनाता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर से राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ नजर आएगा, और राउंडिंग बॉटम जब बनता है ना तो यहाँ पर इसी तरीके के टारगेट यहाँ पर नजर आते हैं। ऊपर की अभी ज्यादा टारगेट की बात नहीं करूंगा, बट मैं बात करूंगा यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ नजर आएगा, जब ये राउंडिंग बॉटम कंप्लीट होगा तब यहाँ पर एक ये टारगेट अचीव होंगे, 40% के जब यहाँ पर रिटर्न हो जाएंगे चुपचाप निकल जाना, और उसके बाद दोबारा नीचे नीचे आए तो यहाँ पर खरीदना। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि पूरा ऊपर लेवल पर भी नहीं और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ, यहाँ पर इनके जो ये सपोर्ट पिवट्स पॉइंट है यहाँ तक आए चुपचाप निकल जाना, ज्यादा ही लालच में मत पड़ना, इधर तक ही ये जाएगा, उसके बाद और भी अगले क्वार्टर में अच्छे रिटर्न आए तो यहाँ पर और भी तेज भागता हुआ दिखाई सकता है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक। अब बात करते हैं हमारे दिग्गज स्टॉक्स की, जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट की बात करूं तो दीपक नाइट्राइट एक वन ऑफ द ग्रेट स्टॉक्स है, यहाँ पर देखेंगे 70% मार्केट शेयर ले रखा है, वो भी किसमें, सोडियम नाइट्राइट और बात करें से एंड नाइट्रो टॉलिन्स इन इंडिया, यहाँ पर 70% इनका मार्केट शेयर है, 30+ कंट्रीज में ये कंपनी काम करती है दिखाई देती है, 1700 करोड़ रुपीज का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया है, 50+ ईयर्स का यहाँ पर कंसिस्ट टेंट प्रॉफिट फॉर स्टेक होल्डर्स के लिए 50 साल से लगातार यहाँ पर प्रॉफिट देता हुआ नजर आ रहा है, तो ये कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, अमंग टॉप 3 प्लेयर्स में यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है, फास्टेस्ट ग्रोइंग केमिकल्स इंटरमीडिएट्स कंपनी इन इंडिया, तो यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग यहाँ पर कंपनी भी है, कंपनी काफी बेहतरीन है, कंपनी यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट्स में काम करती हुई नजर आती है। इनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है तो इनकी वेबसाइट पर आपको जाना होगा, वेबसाइट पर जाएंगे तो इनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप यहाँ पर जान पाएंगे, तो यहाँ पर कंपनी क्या क्या करती है, इससे इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग है, एज वेल एज बेसिक इंटरमीडिएट्स एट द हार्ट ऑफ ऑल मटेरियल्स में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, यहाँ पर इस कंपनी के बारे में दे रखा है, तो कंपनी के बारे में एक बार आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर इनके बिजनेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कंपनी किस किस सेगमेंट में काम करती है थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर बताने का मकसद क्या है और शेयर नीचे आया क्यों है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी देखिए गुजरात बेस्ड कंपनी है इंडिया की, एज वेल एज बात करें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फाइन केमिकल्स में कंपनी, स्पेशलिटी केमिकल्स में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, इसके अलावा इंटरमीडिएट्स फॉर यूज इन द इंडस्ट्री एक्सप्लोजिव में ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, पेंट्स कॉस्मेटिक पॉलीमर्स ऑप्टिकल ब्राइटनर्स एंड अदर्स, यहाँ पर ये जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें एक जो केमिकल्स बनाती है यही कंपनी बनाती है, और कंपनी यहाँ पर गुजरात महाराष्ट्र और तेलंगाना में सिचुएटेड है, एज वेल एज अगर हम बात करें कंपनी का 70% जो कि हमने यहाँ पर ऊपर देख ही लिया था, तो कंपनी यहाँ पर हर पैरामीटर पर यहाँ पर अच्छी खासी दिखाई देती है। फाइनेंशियल 21 में यहाँ पर उन्होंने बताया किस तरीके से कहाँ कहाँ से इनके रेवेन्यू आते हुए दिखाई दिए, तो एक बार इसे बारे में इनको पढ़ लेना, और ये कैपेसिटी
एक्सपेंडिचर जो भी हो रहा है, ये सब चीज यहाँ पर आपको पता चलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं मार्केट कैप की। कंपनी का मार्केट कैप, लार्ज कैप कंपनी 28,998 करोड़, लगभग 29 करोड़ की ये कंपनी है। पी 27 के पी पे मिल रहा है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक यहाँ पे 40 से प्लस पी पे मिल रहा है। आरओसी आरओई की बात करें 39% के, जो की लक्ष्मी ऑर्गेनिक से बेहतर है। डेट फ्री कंपनी यही पी है, 14% की डेट है। और 3020 से शेयर क्रैश होकर यहाँ पर 2126 पे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी में शेयर नहीं लिया तो फिर आप कभी भी शेयर नहीं ले पाएंगे। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इसने करोड़पति बनाया, 8 रुपए का शेयर कहाँ 3,000 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया है, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है, एज वेल एज 5 साल से 64% का यहाँ पर सीएजीआर है। 64% के सीएजीआर का मतलब है कि आपने यहाँ पर 20 साल तक इसमें इन्वेस्ट किया और इसी तरीके के सीएजीआर मिलते रहे तो आपका पैसा 10 लाख रुपए इतने करोड़ में चेंज होगा कि आप यहाँ पर गिन नहीं पाएंगे। रिकॉर्ड यहाँ पर रिजल्ट की बात करें, कंपनी के रिजल्ट देखिए कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, कंपनी एक बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक यहाँ पर कम था, बट दोबारा इस तरीके से भागता हुआ दिखाई दिया। हाईएस्ट एवर सेल्स है बट हाईएस्ट एवर प्रॉफिट नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन कि यहाँ पर जो एक्सपेंस होते हुए दिखाई दिए, यहाँ पर इनकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो यहाँ पर ज्यादा होती हुई दिखाई दी, इस वजह से एक्सपेंस ज्यादा हुआ है। एक्सपेंस की वजह से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेल्स माइनस एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर कम आता हुआ दिखाई दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर काम आता हुआ दिखाई दिया और टैक्स भी यहाँ पर 26% देते हुए दिखाई दिए, तो यहाँ पर इनका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली घटता हुआ दिखाई दिया। बट स्टिल यहाँ पर ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा ढीला था जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस, तो इस बात को याद रखना। और एक्सपेंस किस तरीके के होते हैं, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट वाले तो कॉन्स्टेंट ही है बट वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट ये वेरिएबल है, यहाँ पर अभी 63% शायद यहाँ पर नेक्स्ट क्वार्टर में और कम होती हुई दिखाई दे, तो इस चीज को भी यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। ईयरली बेसिस पे एक ग्रो की यहाँ पर देख सकते हैं, 6 साल में कंपनी ने अपने आपको 5 टाइम्स यहाँ पर किया है लगभग। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 53 करोड़ का प्रॉफिट, 1,064 करोड़ के प्रॉफिट में पिछले 12 महीने में हो गया है, तो ये ग्रोथ है, यही ग्रोथ है कि कंपनी का शेयर इस तरीके से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, बोराइंग कम हो रही है, 1,100 करोड़ की बोराइंग 409 रह गई है। वर्किंग प्रोग्रेस में 256 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट 244 करोड़ रुपए का, कैश की बात करें 55 करोड़, जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है और कभी भी नेगेटिव नहीं रहा। आरओसी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है, एफआईआई की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, यहाँ पर डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर 32% के आसपास की है, जो पहले थी थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे है, पर यहाँ पर उसमें से भी डीसीएस इंफोटेक ने यहाँ पर 3.41% की हिस्सेदारी ले रखी है, 29% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है। तो कंपनी बेहतरीन, परफॉर्मेंस बेहतरीन, प्रमोटर्स बेहतरीन, एफएसडीआईएस की होल्डिंग अच्छी खासी, मतलब सब कुछ यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। और जो गिरना था वो शेयर यहाँ पर गिर चुका है और गिर के यहाँ पर शेयर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। किस जोन में ट्रेड कर रहा है, इसी जोन में यहाँ पर 40% यहाँ पर शेयर नीचे आ चुका है। RSI की बात करूं तो 33 के RSI, और यहाँ से देखिए रिवर्स का यहाँ पर संकेत दे दिया है, बट इतनी जल्दी रिवर्स नहीं होगा, इसके लिए भी यहाँ पर तैयार रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत लोगों ने आपको बहुत बार इस शेयर को रिकमेंड किया होगा, बट ये शेयर यहाँ पर एक अभी मैं आप अगर बात करूं तो देखिए एक सपोर्ट यहाँ बनाया था, यही सपोर्ट पे यहाँ पर ये ट्रेड भी कर रहा है, इससे पहले यही सपोर्ट यहाँ पर नजर आ रहा था। गिरने की बात करूं तो नीचे के कल की डेट में जो इसने यहाँ पर आज की डेट में जो नीचे लो बनाया था 2060 का, तो वही यहाँ पर मेन सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि इधर ये रुका था, इसके पहले यहाँ पर रुका था, तो ये एक बेहतरीन सपोर्ट है। तो यहाँ पर 100 रुपए का अगर यहाँ पर नीचे की टॉलरेट कर सकते हैं तो यहाँ से 40% का आपको रिटर्न मिलेगा। अगेन जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक में एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था, सेम यहाँ पर भी एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब ये राउंडिंग बॉटम यहाँ पर बनेगा तो दोबारा, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी बात 40% की कर रहा हूं, इसके आसपास आए, जैसे कि मैं यहाँ पर 2900 पे निकल गया था, सेम आप भी यहाँ पर 2900 के आसपास यहाँ पर निकल जाइएगा, ज्यादा के लालच में पड़ना नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट में है, मार्केट में 500 स्टॉक्स ऐसे चुन के रखिए, उनकी स्टडी करते रहिए, कभी इसमें एग्जिट किया, कभी उसमें एंट्री करी, कभी उसमें एंट्री करी, कभी इसमें एग्जिट किया, इस तरीके से काम करते रहेंगे, पैसा अपने आप बनता रहेगा। और ऐसा आप नहीं कर पाते, नहीं इतनी नॉलेज रखते हैं, तो यहाँ पर यहाँ इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और अच्छा खासा पैसा हम सब मिलके यहाँ पर कमाएंगे। बाकी हमारी वीडियोस देखिए, सीखिए, सीख के यहाँ पर काम करेंगे, अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दो पर्टिकुलर स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में एज वेल एज अपने ध्यान में रखिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।